हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो आज हम बात करने वाले हैं नाइजेरियन जायंट वर्सेस भारत की आन बान शान ग्रेट खली सर के बारे में। अगर इन दोनों का मैच होगा तो इस मैच के अंदर कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी हाइट और वेट के बारे में। तो नाइजेरियन जायंट ओमोस की हाइट है 7'3" और उनका वेट है 180 kg। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें भारत की आन बान शान ग्रेट खली की, तो उनकी हाइट है 7'1" और उनका वेट है 150 kg। यानी कि हाइट और वेट के मामले में ओमोस काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं ग्रेट खली से। तो अब बात करते हैं इनके चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में। तो नाइजेरियन जायंट ओमोस ने WWE के अंदर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीती है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल के साथ। दूसरी तरफ बात करें ग्रेट खली की, तो ग्रेट खली ने WWE के अंदर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है, जो कि WWE का सबसे बड़ा टाइटल माना जाता है। और इस हिसाब से ग्रेट खली काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि ग्रेट खली WWE का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। अब बात करते हैं इनके मैच के बारे में। अगर इनका मैच WWE के अंदर हो जाए तो इस मैच का विजेता कौन होगा। WWE वाले चाहे तो वो ओमोस को भी जितवा सकते हैं या फिर ग्रेट खली को भी जितवा सकते हैं, पर देखना ये ज़रूरी है इस मैच के अंदर क्या बवाल होता है। अगर इन दोनों मॉन्स्टरों के बीच मैच होता है तो तहलका और धमाका तो एक साथ क्रिएट होने ही वाला है। ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को हिला कर रख देंगे, डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी न किसी को हारना पड़ेगा, किसी न किसी को जीतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ नाइजेरियन जायंट ओमोस ग्रेट खली को हरा देगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट खली बूढ़ा हो चुका है और नाइजेरियन जायंट एथलेटिक यानी कि यंग एथलेटिक मशीन है। और इस हिसाब से ओमोस जीत जाएगा ग्रेट खली सर के सामने। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो बस यही तक थी, और सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब।